नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, या यूं कहें कि दंगल शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों से वोट डालने निकले हैं। 230 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव हो रहा है और लगातार लोग पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लगातार वहां से ईवीएम खराबी को लेकर खबरें आ रही हैं। और बहुत से बार ऐसे इस बार मतदाता हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, उनके अंदर भी जोश खरोश देखने को मिल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश इस वक्त चुनावी माहौल में रंगा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या चौथी बार शिवराज सरकार की वापसी होगी या कांग्रेस का वनवास खत्म होगा। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पत्रकार और मेरे सहयोगी अभिलाष पांडे, जो मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले अभिलाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, ये चुनाव कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार के चार बार सरकार बनाई है, वो इस बार जनता उनको वहां से बेदखल कर देगी, क्या हकीकत है? देखिए काशिफ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान का जो वर्चस्व था मध्य प्रदेश में, अब वो वर्चस्व दिखाई नहीं पड़ रहा है। कई सारे ऐसे मसले हैं जो अभी भी सॉर्ट आउट जो है मध्य प्रदेश की जनता के सामने नहीं हुए हैं। अभी हाल ही में मैं जब मध्य प्रदेश गया था, मेरी बात हुई थी वहाँ पर किसानों से, तो किसानों ने साफ तौर पर कहा, एक जो अनाज की जो प्रॉब्लम है, आप आज भी 10-12 साल पुराने रेट में उनसे जो है अनाज उठाते हैं, जो सरकार उठाती है, और आज की डेट में देखिए आप खाद के रेट बढ़ चुके हैं, बाकी चीजों के रेट बढ़ चुके हैं, जो खेती के जो साधन हैं और रेट बढ़ चुके हैं, तो सरकार को भी उसी रेट पर शायद सामान उठाना चाहिए। ये शायद अब मंदसौर में भी यही मसला था सर। उसके बाद किसानों ने अपनी आत्महत्या करनी शुरू की, लेकिन उसके बाद भी शायद शिवराज सरकार की कान में जूं तक नहीं रहेंगी। अब आप अभी आप जब आपका वोट बैंक आपको भरना है, तो अब आप आकर सारे मसलों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई ऐसा फरमान जारी नहीं हुआ है या फिर किसानों के लिए कोई मदद नहीं हुई। तो ये बात तो तय है कि किसान तबका जो है वो पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान से नाराज दिखाई। बिल्कुल, इस वक्त किसानों की नाराजगी शायद शिवराज सरकार पर भारी पड़ सकती है और उनको इस बार वापस जाना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, जो ईवीएम खराब जो हुई है, 20 जगह खराब मशीनें गड़बड़ी पाई गई है। उनमें सबसे ज्यादा अलीराजपुर, बुरहानपुर मैंने आपको बताया था, जो बोरा समाज का वहां पे काफी दबदबा है। भोपाल में भी ईवीएम मशीनों को गड़बड़ी लेकर सामने आ रही है लगातार। वहां पर कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले प्रदर्शन किया है, और वहीं साथ ही साथ ग्वालियर के जबरा में और खरगोश में और छतरपुर में, ये वो जगहें हैं जहां अभी ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। साथ ही साथ अभी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भूतनी में भी अपना वोट डाल दिया है, अपनी पत्नी और बेटे कार्तिके के साथ। अभिलाष जी, मेरा कुछ समझना चाहूंगा कि अब जैसे आपने बताया कि शिवराज सिंह किसानों की बदहाली और इस वजह से सरकार से वापसी जा सकते हैं, तो क्या अब जनता कांग्रेस से बिल्कुल संतुष्ट है क्या? देखिए अब काशिफ भाई, कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस से संतुष्ट भी नहीं है, इस वजह से बीजेपी को फायदा मिल रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, एक बार कमलनाथ का हम वर्चस्व मान भी सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की जो छवि है मध्य प्रदेश में वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। कई ऐसे मसले हैं जो जिस पर यह है कि जनता जो है दिग्विजय सिंह पर भरोसा नहीं करना चाहती। जब वो अपनी सरकार से गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 10 साल तक राजनीति में नहीं आऊँगा, और लोगों का यही कहना था कि भाई आप मत ही आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, जो मैंने इंटरव्यू सुने या जो रैलियां देखी हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इनकी आपसी अनबन भी चल रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के साथ खड़े हुए हैं कमलनाथ तो, और एक ये जो तिकड़ी तैयार हुई है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रॉफिट कर गई, कि फायदा कर गई साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में अब जो मोदी लहर चल रही है वो मोदी लहर का वर्चस्व मध्य प्रदेश में तो कम दिखाई। बिल्कुल अबला जी, एक आपने सवाल जाहिर सी बात है निकाला है कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह को भी हम नकार नहीं सकते जी। जनता जानना चाहती है, उसके जहन में कंफ्यूजन है कि इन तीनों में वहां मध्य प्रदेश में किसका वर्चस्व ज्यादा है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर एरियाज पर डिपेंड करता है काशिफ भाई, लेकिन अगर युवा लोगों की बात की जाए, जितने युवा लोग हैं, जितने वहाँ के हम युवा लीडर से मिलकर आए हैं अभी मध्य प्रदेश में, तो साफ तौर पर सिंधिया को सपोर्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्र में, वहाँ पर खंडवा हो गया, उसके बाद आपके होशंगाबाद तक में जो एरिया थोड़ा सा बीजेपी साइड का लगता है, लेकिन वहाँ पर भी कमलनाथ का वर्चस्व थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, कमलनाथ के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को जो बड़ा फायदा है सर,
वहाँ के मुस्लिमों का सपोर्ट बहुत है, और मैंने ये चीज देखी है, एनालाइज किया भी, मंदसौर में भी जो कांड हुआ था वहाँ पर मुस्लिम समाज जो है उन्होंने समझदारी दिखाई, वरना शायद वहाँ पर दंगे वाली सिचुएशन आ गई थी। तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं और वो प्रॉपर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अभिलाष जी, मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आप मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश के निवासियों को बेहतर तरीके से जानते होंगे। अगर वो कांग्रेस की सरकार आती है तो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे कांग्रेस में? देखिए, मुझे लगता है कि अंतरकलह की सिचुएशन आएगी, लेकिन अगर लोगों की बात की जाए, जितना लोगों का मन है या जो भी, ज्यादातर लोगों से हमने बात की, क्योंकि सर्वे के आधार पर मीडिया भी बात करती है सर, तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि सिंधिया को सपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा है लोगों का, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्योंकि मोस्टली जो डर था वो था बुंदेलखंड का। बिल्कुल। और बुंदेलखंड में जो एरिया लगते हैं, छतरपुर, पन्ना, सतना, इवन हम जबलपुर को भी उसमें काउंट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब एरियाज में जो है, यहाँ पर पब्लिक शायद ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ की ओर ज्यादा जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट सिंधिया को ज्यादा है। शायद लोग ये समझ चुके हैं कि अभी अब हमें एक बेहतर लीडर की जरूरत है। कमलनाथ को पब्लिक देख चुकी है, दिग्विजय सिंह को पब्लिक देख चुकी है, अब जो आने वाला जो नेता है जो आपका भविष्य सुधार सकता है वो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अगर कांग्रेस के लिए वोटिंग हुई तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिंधिया को जो है वोट ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, अभिलाष जी ने जिस तरीके से बताया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, और अगर कांग्रेस को ज्यादा मतदान होता है, ज्यादा वोट पड़ते हैं या कांग्रेस के पास बहुमत आता है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री देखना चाहती है वहां की जनता। एक वहां का एक समीकरण मैं बताना चाहूंगा आपको, जातीय समीकरण बहुत ज्यादा, इस पर भी अभिलाष भाई से चर्चा करूंगा। अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ा बता देता हूँ वहां जातीय समीकरण का, सवर्ण वहां पे 15% है, ओबीसी 37 और एससी 16, एसटी 23% और अन्य जातियां 9% हैं। जातियों का समीकरण थोड़ा खेलना हमें समझना पड़ेगा अभिलाष जी, कि ये क्या जातीय फैक्टर किसके लिए फायदा, बीजेपी के लिए फायदामंद है या कांग्रेस के लिए? देखिए, बैलेंस्ड है, मैं तो यही कहूंगा काशी भाई, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के वोट बैंक्स हैं। अब अगर आप बुंदेलखंड में चले जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग तरह की कास्ट हैं, पंडित हैं, ठाकुर हैं, उसके बाद कोल लोग भी हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और उनको किसानी से मतलब है। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि, और हमारी बात भी हुई थी प्रोग्राम से पहले, कि कहीं ना कहीं गुजरात वाली कहानी रिपीट हो सकती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि किसान तबका, जो गरीब तबका है मध्य प्रदेश का, वो खासा परेशान है सर बीजेपी से, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जो है, हम कांग्रेस को वोट करेंगे, और हम अगर कांग्रेस आती है तो, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में कभी इतनी परेशान नहीं, किसान वर्ग कभी परेशान नहीं रहा, ये बात हम सभी जानते हैं, मिडिल क्लास कभी परेशान नहीं रहा, और बीजेपी के आने के बाद कहीं ना कहीं मिडिल क्लास पर भी प्रभाव पड़ा है, और साथ ही जो किसान तबका है वो और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। योजनाएं तो हम बना रहे हैं, लेकिन क्या हम उन योजनाओं तक पहुंच पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरी बात, एक स्वास्थ्य का मसला जो है ये बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े शहरों में ही हैं, छोटे शहरों में कहीं पे भी आप छतरपुर जैसे एरिया में चले जाइए, वहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। अगर मरीज ज़्यादा बीमार पड़ता है, कोई एम्बुलेंस की सेवा नहीं है, आपको 300 से 400 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सोचने वाली है कि लोग इन सब मसलों को ध्यान में रखे हुए हैं, और कई सारी ऐसी मौतें हो रही हैं गरीब घरों में, जिन्हें सिर्फ मरीजों को ले जाने में समय लग जाता है और मरीजों की जान नहीं बचा पाते। बिल्कुल, तो ये सब जो बेसिक मसले हैं वो सर यही हैं। बिल्कुल, जैसे अभिलाष भाई ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में जो इस वक्त बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उससे लोग महरूम हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे वो इस वक्त किसानों की बदहाली हो, ये वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं शिवराज सरकार की सिरदर्दी बने हुए हैं। अब देखना यह है कि आज लोग मतदान कर रहे हैं और किस तरीके से मतदान करेंगे। अगर कांग्रेस को वोट डालते हैं तो कौन मुख्यमंत्री बने, इस सारी चीजों पर रोशनी डाली। आखिर में जिस तरीके से शिवराज सिंह ने जिस तरीके से अभी वोट डाला, तो उन्होंने 200 सीटें की बात कही कि वो 200 सीटों पर जीत हासिल कर लेंगे। वहीं मैं आपको बता देता हूं कि शिवराज सिंह के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने भी काफी जी तोड़ मेहनत की है बीजेपी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मध्य प्रदेश में 10 रैलियां की, वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 127 रैलियां की मध्य प्रदेश में, वहीं खुद शिवराज सिंह ने 178 की हैं वहां पर। यानी बीजेपी भी पूरी, केंद्रीय नेतृत्व हो या राज्य सरकार के लोग हों या मंत्री विधायक, सब लोग लगे पड़े थे एमपी के चुनाव में। यानी ये साख का सवाल बन चुका है, और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का चुनाव तय करेगा कि 2019 का लोकसभा चुनाव किसके पाले में जाने वाला है। एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, हमारी बात भी हुई थी इस मसले पर, जो आपने रैलियां बताई अमित शाह की रैलियां, जी जी, देखिए जो हम किसान वर्ग की जो बात कर रहे थे, ये बात शायद बीजेपी को भी पता है, उनको ये पता है कि किसान तबका जो है वो मध्य प्रदेश में आपसे नाराज है। एक बहुत छोटी सी जगह पड़ती है चुरहट,
जो शायद एक छोटे से एरिया में, एक जिसे हम कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जितना बड़ा होता है उससे हल्का बड़ा होगा चुरहट, ऐसे एरिया में जहाँ वो अर्जुन सिंह का गढ़ कहा जाता था, जो बड़े नेता कहला चुके हैं हमारे देश के, उनके गढ़ में जाकर अमित शाह ने रैली की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों को हम ये सुविधा मुहैया कराएंगे, हम ये सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे। और लोग जो हैं रैली में, उन पर जो जमावड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा था। ऐसे ही हाल ही में नरेंद्र मोदी रीवा गए थे, रीवा में किसान तबका थोड़ा ज़्यादा है मध्य प्रदेश के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं किसानों को इन्होंने टारगेट किया। अब ये वोट बैंक क्या प्रॉफिट करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर शिवराज सिंह चौहान जाते रैली करने तो ये बात तय थी कि वहां का वोट बैंक उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से ही साफ तौर पर नाराज है पब्लिक। और मोदी भी अपने भाषण में साफ कर चुके हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री की बात आएगी तो शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान से जनता भी नाराज है। अभिलाष भाई, जाते जाते एक सवाल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए बीजेपी सत्ता में वापसी आती है, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान की वो इमेज नहीं है जो पहले, बिल्कुल बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बन सकता? मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को ही भाईजान चुना चाहेगा, क्योंकि रैली में हाल ही में मोदी जी भी ये कह चुके हैं कि शिवराज सरकार में हमने ये सारी चीजें, नाराजगी है लेकिन मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उनके अलावा कोई फेस भी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, अभिलाष भाई ने जैसे बताया, कांग्रेस का भी बताया कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है और जमीनी हकीकत से रूबरू कराया कि कौन से बुनियादी मुद्दे हैं, और बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है ये भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिलाष भाई, हम फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, हालांकि ईवीएम में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें आ रही हैं, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप एसपीएन आई न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा, पल पल की खबर हम आपका एक एक पोलिंग बूथ की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।